नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MA म्यूजिक एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपको हारमोनियम में और गाने में हमेशा काम आने वाली है। जो मतलब आप जब भी गाना कोई भी गाना बजाएंगे या कोई भी गाना सुनेंगे या गाएंगे तो उसमें आपको इस मतलब ये जानकारी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। खासकर हारमोनियम या कीबोर्ड बजाने में तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी ये जानकारी। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हर एक सुर से हम सरगम कैसे बना सकते हैं। अगर हर एक सुर से हमें सरगम बनानी आ जाती है यानी कि अलंकार बजाना आ जाता है तो फिर हमें स्केल भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो पहले मैं आपको हर एक सुर से सरगम यानी कि अलंकार बजाना सिखाऊंगा, उसके बाद में फिर आपको स्केल की जानकारी दूंगा, जो आपको इसके बाद में आपको स्केल समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये हम पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली। तो हम चौथी काली से शुरू करते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्केल अगर बच्चों का या लड़कियों का अगर स्केल देखते हैं तो हम चौथी काली से हम स्केल शुरू करते हैं। तो इससे नीचे खैर कोई गाता नहीं है, बाय चांस ही कोई गाता हो तो कह नहीं सकता, नहीं तो सबसे नीचे का स्केल हम चौथी काली से लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथे काले से शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम सरगम बजाना शुरू करेंगे एक बार। तो आप देख लें कैसे यहाँ से सरगम शुरू होगी। सीखना है तो सिर्फ इसमें बहुत ही छोटी चीज़ का ख्याल रखना है, वो है कि जब हम कोई भी सुर पकड़ते हैं, जैसे हमने यहाँ से सुर पकड़ लिया तो हम सा बोल रहे हैं, यहाँ से सुर पकड़ा तो सा बोल दिया, यहाँ से सुर पकड़ा तो हमने सा बोला, तो जिस जगह से भी हम सुर पकड़ेंगे उस जगह को हम अपना सा मान लेंगे और फिर उस वहाँ से हम सरगम बनाना या अलंकार बनाना शुरू करेंगे। तो उसका एक ही छोटी सी चीज़ ख्याल में रखनी है कि जब सा रे गा मा, तो जब गा मा जो होता है वो हम एक साथ बजेंगे, यानी कि गा और मा के बीच में कोई भी हम सुर यूज नहीं करते हैं, प्रयोग में नहीं लेके आते हैं। उसके बाद में एक सुर आता है हमारा नी और सा। नी और सा के बीच में भी ऐसा ही होता है कि इनके बीच में कोई सुर नहीं होता है। गा मा और नी सा के बीच में हम कोई भी सुर नहीं लगाते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि सा, सा के बाद में हम रे पकड़ते हैं। सा रे, रे यानी कि शुद्ध, सा रे गा मा। तो हम जब से सा रे बोलते हैं तो रे से पहले एक स्वर होता है कोमल रे, फिर रे के बाद में जाते गा पर, उससे पहले एक स्वर होता है कोमल गा। तो हम एक स्वर छोड़ के जब रे बोलते हैं, एक स्वर छोड़ के गा बोलते हैं और गा के साथ में मा बोलते हैं, फिर एक स्वर छोड़ के हम पा बोलेंगे और फिर एक स्वर छोड़ के धा बोलेंगे और एक स्वर छोड़ के नी बोलेंगे और नी के साथ में हमें सा बोलना है। इसमें कोई स्वर नहीं छोड़ा जाएगा, गामा और निशा के बीच में कोई स्वर नहीं छोड़ा जाएगा। तो यही चीज़ हमें हर एक सुर से अप्लाई करनी है, यानी कि यही चीज़ हमें जब कहीं से भी सरगम या अलंकार शुरू करेंगे तो सिर्फ हमें इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि गामा और निशा के बीच में कोई स्वर नहीं होता, बाकी सब में हमें एक एक स्वर छोड़ के जाना है। और जो स्वर हम छोड़ के जाएंगे वो हमारे कोमल स्वर होते हैं और एक स्वर होता है हमारा तीव्र जो माँ के बाद में लगता है। तो आइए शुरू करके दिखाते हैं एक बार, फिर से समझते हैं इस चीज़ को। ये हम चौथा काले से सा बोल रहे हैं, सा, फिर हमने एक स्वर छोड़ दिया ये वाला रे, फिर एक स्वर छोड़ दिया गा, और गा और माँ के बीच में स्वर है ही नहीं तो गा के बाद में सीधा माँ बोले माँ, फिर एक स्वर छोड़ेंगे पा, फिर एक स्वर छोड़ के धा, फिर एक स्वर छोड़ के नी, और नी और सा के बीच में स्वर होता ही नहीं है तो हम फिर सा बोले सा। तो फिर से देखते हैं, सा एक छोड़ा रे, एक छोड़ा गा गा
छोड़ा धा, फिर उलट छोड़ा नी, और नी के साथ में सा, तो इसी चीज का ख्याल रखना है। तो आप कहीं से भी सरगम बजा सकते हैं, बहुत ही छोटी चीज है, बस इतना ही ख्याल रखना है आपको। तो एक बार फिर से करते हैं, यहाँ से फिर अलग अलग स्वर से बजा के देखते हैं। ईश्वर से देखते हैं कि ईश्वर से अलंकार कैसे बनेगा, सरगम कैसे बनेगी। तो देखते हैं क्या करना है हमें। पहले इसको हमने सा मान लिया, जैसे हमने इसको सा माना था तो इसको सा मान लेंगे, और फिर हमें क्या करना है, एक छोड़ के एक छोड़ा रे, एक छोड़ा, यहाँ से एक छोड़ा, इसको छोड़ दिया हमने गा, और माँ के बीच में स्वर होता नहीं है तो माँ ही हो जाएगा माँ। फिर हम माँ चलाया, फिर हमने एक स्वर छोड़ा, तीव्र हो गया वाला, इसको छोड़ दिया हमने पा, फिर एक स्वर छोड़ा धा, फिर एक स्वर छोड़ा नी, और नी के साथ में सा सा। तो फिर से देखते हैं करना हमें, सा के बाद में रे, एक स्वर छोड़ के रे, फिर एक स्वर छोड़ के गा, गा के साथ में मा, फिर एक स्वर छोड़ के पा, फिर एक स्वर छोड़ के धा, फिर एक स्वर छोड़ के नी, और नी के साथ में सा। तो आइए बजा कर देखते हैं। सा में कोई स्वर नहीं छोड़ना है, गामा के बीच में और नीसा के बीच में कोई स्वर नहीं छोड़ना है, बाकी सब में एक एक स्वर छोड़ के चले जाना है आपको, और वैसे ही आ जाना है। तो आपका आरोह और मतलब सरगम आप बजाना सीख जाएंगे किसी भी स्वर से। अब हम इससे बजा लिया, अब एक बार इसे देखते हैं, एक बार देखें आप। एक स्वर छोड़ा रे, एक स्वर छोड़ा गा, गा के साथ में मा, से दोस्तों जब हम स्केल की प्रैक्टिस करेंगे या स्केल के बारे में जानकारी लेंगे तो फिर हमें इस चीज़ का यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्केल यहीं से शुरू होंगे जब हम स्केल सीखना शुरू करेंगे। तो करते हैं यहाँ से शुरू, करते हैं, यानी कि जो आदमी लोग जो गाते हैं यहाँ से, गर्ल लड़कियाँ या बच्चे गाते हैं इन स्वर से ज़्यादातर। अब यहाँ से जो बॉयज होते हैं या फिर आदमी लड़के लोग जो गाते हैं वो ज़्यादातर इस स्वर का यूज करते हैं, इसे सामान कर गाते हैं। तो देखते हैं यहाँ से भी कैसे बनेगा। आगे आप बताएंगे कि क्या मैंने सही बजाया है सरगम।
को आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ से जो बजाया वो सही बजाया है या गलत बजाया है। जानकारी दी कि हर एक स्वर से हम अलंकार या स्वर कैसे बजाते हैं या कैसे बजा सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ का रियाज करते हैं तो आपको गाना निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि गाने इस प्रैक्टिस के बाद में आप गाने का स्केल पकड़ सकते हैं, आराम से गाने का सुर पकड़ सकते हैं और आसानी से आप गाना निकालना सीख जाएंगे। तो गाना निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। आप सीख गए किसी भी गाने से स्वर बजाना, सरगम बजाना, अलंकार बजाना, अगर सीख जाते हैं सही तरीके से तो गाना निकालने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि आपको यहाँ से फिर स्केल जो होते हैं गाने के, वो स्केल आपको बहुत बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आने लगेंगे। तो जानकारी आपको अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट कर ज़रूर बताएँ, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।